गरिमा सिंह जो है वो इस वक्त वोट के लिए जा रही हैं, पीछे गाड़ी में हैं, लेकिन पहले उनके बेटे से बात करते हैं। ये बताइए कि आज फाइनली वो दिन है जब मतदान होना है और किस्मत का फैसला होना है। जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये हम लोग को पूरा विश्वास है, जबकि कल रात को काफ़ी जगहों पर काफ़ी धांधली हुई है, लेकिन हमने प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन ने साथ नहीं दिया, लेकिन इतना हमको विश्वास है कि क्षेत्र में घूमने के बाद कल रात को भी आज सवेरे भी लोगों के ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा और जनता अपना निर्णय ले चुकी है। धांधली का इशारा किस तरफ, किसकी तरफ से? दोनों 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 पंजाब साइकिल दोनों की तरफ। पंजाब साइकिल दोनों की तरफ से। जी जी जी। और परिवार का पूरा सपोर्ट जो है आपकी माता के साथ आज? जी जी, पूरे परिवार का, पूरे क्षेत्र का सपोर्ट है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। तो इस वक्त हम देख सकते हैं कि इस वक्त गाड़ियां जो हैं वो निकल रही हैं और रानी गरिमा सिंह जो हैं वो भी अपनी बेटे के साथ, पूरे परिवार के साथ इस वक्त वोट डालने के लिए जा रही हैं। पूरे परिवार के साथ आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं, आपके साथ आपकी बेटी और आपकी बहू भी हैं, तो ये बताइए कि आज ये बहुत बड़ा फैसला है, आपका पहला चुनाव था और इसमें किस तरह का पूरा एक तो कुल मिलाकर अनुभव रहा और आज के दिन को कितना खास आप इस वक्त मान रहे हैं जीवन में? जीवन में बहुत खास अवसर है ये, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है, भविष्य निर्भर करता है, हमारी जनता का भविष्य भी, हमारा भविष्य भी। आपने कहा था कि ये सम्मान और न्याय की लड़ाई भी है, तो इसको कैसे देखती हैं आप आज, क्योंकि सम्मान और न्याय का दिन ये कहा जाएगा? सम्मान और न्याय की ही लड़ाई है जिसमें हम समझते हैं कि हमको विजय मिलेगी। और इस बार आपको क्या लगता है ये राजनीति में, मतलब किसकी, पैसों की राजनीति कही जाती है या आंसू की राजनीति कहें, क्या कहेंगे? राजनीति है, अब क्या बताएं उसके लिए, क्योंकि आपके परिवार की एक और सदस्य जो है वो इसमें, उनका कहना है कि आंसुओं का भी इस बार राजनीति जो है आंसुओं की भी हुई है, तो क्या कहेंगे इस बारे? अब राजनीतिक दौर है, चल रहा है, सामाजिक भी है, सभी चीज की तो लड़ाई है ये, तो उसी हिसाब से अपना फैसला, अब जब जनता निर्णय देगी तभी पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके पूरा परिवार आपके साथ जा रहा है, बेटा बेटियां बहू, तो ऐसे में क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो संजय सिंह जी हैं वो भी निकल चुके हैं वोट के लिए, तो उनका साथ किस तरह से वोट के लिए, किसी भी तरह से आपको कैसा लगता है, क्या उपस्थिति किस चीज़ के लिए? समझे नहीं, फिर से एक्सप्लेन। वोट उनका, आपकी, आपको लगता है कि वोट उनका जाएगा आपके साथ? अगर उनका वोट मेरे लिए पड़ता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है, वैसे अब वो अंदर वोट डालेंगे मैं देख तो नहीं रही हूँ। तो इस वक्त आज आप पूरे आश्वस्त अपनी इस लड़ाई के लिए, इस जंग के लिए जो इस वक्त? जी हाँ, आश्वस्त हैं हम। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गरिमा जी के साथ उनका पूरा परिवार जो है साथ में जा रहा है, आप सब मैं देख रही पूरी तैयारी के साथ में, माँ के साथ पूरा सपोर्ट के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सपोर्ट के लिए तैयार हैं, काश कि हमारा वोट भी यहाँ होता, लेकिन हम अलग जगह वोटर हैं। हम जनता से यही अपील करेंगे कि इस बार न्याय और अधिकार की लड़ाई में हमारा साथ दें। देखा आपने रानी गरिमा सिंह, काफिला उनका निकल रहा है राजमहल से, वोट डालने के लिए वो जा रही है, बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और ताल ठोक रही है वो कांग्रेस उम्मीदवार दूसरी रानी अमिता सिंह के खिलाफ। और ये देखिए गरिमा सिंह ने जिस वक्त पूजा पाठ की उस वक्त की तस्वीरें, बेटा कंधे से कंधा मिलाकर मां के साथ है, आनंद विक्रम को आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये वही मंदिर है जहां कुछ देर पहले संजय सिंह पत्नी अमिता सिंह के साथ पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए। और अब पहली पत्नी रानी गरिमा सिंह अपनी बेटी, अपने बेटे, बहू के साथ पहुंची हैं उसी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, अपनी जीत की कामना करने के लिए। न्याय और सम्मान की लड़ाई कहा जा रहा है इसे रानी गरिमा सिंह की तरफ से।